हिंदी फिल्मों के इतिहास में संगीत का जिक्र आते ही आनंद जी वीर जी शाह का जिक्र भी जरूर होता है, जिन्होंने डॉन, बैराग, सरस्वती चंद्र जैसी बेहतरीन फिल्मों को संगीत से सजाया है। ये एक ऐसे संगीतकार रहे जिन्होंने बिना किसी से कुछ सीखे ही अपने हुनर को इस तरह से सबके सामने पेश किया था कि सब लोग इनके दीवाने हो गए। बिना गायकी सीखे इतना बेहतरीन गाना गाना हर किसी के बस की बात नहीं होती, जो उन्होंने करके दिखाया है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अपने समय के सबसे मशहूर गायक आज किस हालत में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं? इसलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इनके आज के हालात से रूबरू करवाने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इनके आज के हालात से रूबरू होना चाहते हैं तो बने रहें वीडियो के अंत तक। आनंद जी का जन्म 2 मार्च 1933 को वीर जी शाह के घर हुआ था। उनके पिता एक व्यवसायी थे जो किराना शुरू करने के लिए कच्छ से बॉम्बे चले आए थे। बचपन से ही आनंद जी बड़े संगीतकार बनने का सपना देखते थे। उन्होंने संगीत के लिए कभी किसी से ट्रेनिंग नहीं ली। बात की जाए इनके करियर की तो इन्हें अपने करियर की शुरुआत करने का मौका इनके भाई की वजह से मिला, जो पहले से ही बॉलीवुड में संगीत के लिए कदम रख चुके थे, बेशक वो फ्लॉप रहे। लेकिन जैसे ही उन्होंने आनंद जी के साथ गाना गाना शुरू किया तो दोनों की जोड़ी हिट साबित हुई। 1960 में उन्होंने भाई आनंद जी को भी मुंबई बुला लिया। इसके बाद कल्याण जी ने आनंद जी के साथ मिलकर फिल्मों में म्यूजिक देने का काम शुरू किया। कल्याण जी और आनंद जी की जोड़ी ने छलिया फिल्म का म्यूजिक तैयार किया। फिल्म का गाना डम डम डिगा डिगा और छलिया मेरा नाम बहुत फेमस हुआ। इसके बाद दोनों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आनंद जी और उनके भाई ने एक साथ मिलकर लगभग 250 फिल्मों में संगीत दिया है, जिसमें से 17 फिल्में गोल्डन जुबली और 39 फिल्में सिल्वर जुबली फिल्में थीं। इस तरह वे एक महान गायक के तौर पर सामने उभरे। बात की जाए इनके आज के हालात की तो ये आज अपनी उम्र के 88 साल पूरे कर चुके हैं, पहले से काफी ज्यादा बूढ़े नजर आने लगे हैं। इन्होंने आखिरी बार साल 2017 में गाना गाया था, लेकिन इन्हें कुछ समय पहले ही इंडियन आइडल में स्पेशल गेस्ट के तौर पर देखा गया था। इनके भाई के देहांत के बाद ही ये काफी ज्यादा टूट गए थे और काफी असहज महसूस करने लगे थे, जिसके बाद इन्होंने बहुत कम फिल्मों में गाना गाया। ये आज काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं, जिस वजह से इनकी तबीयत हमेशा ही खराब रहती है। तो दोस्तों, आपके पसंदीदा गायक के आज के हालात के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और दिलचस्प और मसालेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।